तेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। आज तक तो मुझे साहिब की बीवी तक तस्लीम नहीं किया आप लोगों ने, तो मेरे बच्चे को क्या मानते? ये सब दिखावा कर रहे हैं आप लोग, ढोंग कर रहे हैं। मम्मी कहीं नहीं है। समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, मतलब तुम ये क्यों कह रही हो? उनका कत्ल हुआ है। क्या ये मुमकिन है कि मैं तुम्हें 10 लाख के बजाय 15 लाख दे दूं और तुम दुबई में अपना बंदोबस्त कर लो? तेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। बैठो, आके बात करनी है तुमसे। सिर्फ गाड़ी में ही बैठूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं मैं। आपने जो पूछना ना यहीं पूछ लो। क्या चल रहा है तुम्हारे और मीरा के बीच? तुम उसे हॉस्पिटल मिलने गए थे? क्या गेम खेल रहे हो तुम दोनों? आपने इतना कुछ पता कर लिया है तो ये भी मालूम करवा देते। मैं तुमसे सुनने आया हूं। आप लगते क्या है मेरे जो मैं आपको सब कुछ बताता फिरूं? मैं पूछ रहा हूं क्या चल रहा है तुम्हारे और मीरा के बीच, क्यों बार बार फोन करते हो उसे? हाँ, ये सवाल ना मीरा बाजी से पूछ लें, वही ठीक रहेगा। यानी तुम मुझे नहीं बताओगे? अब साईं भाई साफ सी बात है, मेरी डील ना मीरा बाजी से हुई है तो आपको मुफ्त में क्यों बताऊं? डील? कैसी डील? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? है कुछ बड़ा जरूरी और कुछ महफूज भी है। क्या क्या दे रही है मीरा तुम्हें? 10 लाख रुपए और दुबई जाने का टिकट भी। 10 लाख? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? है बहुत बड़ा राज, तभी तो मीरा बाजी मुझे इतनी बड़ी रकम देने के लिए आमादा हो गई हैं। आप भी कुछ ऑफर ऊफर कराएं मुझे, आपको भी थोड़ा बहुत। नहीं, आपका तो बिजनेस तबाह हो गया। नहीं, आप तो दिवालिया हो गए। तो फिर आपको क्यों बताऊं मैं इतना बड़ा राज, वो भी मुफ्त में? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। क्यों, क्या किया मैंने, किस जुर्म में? कुछ छुपाया आपके घर से, कुछ चोरी की? डराने की कोशिश नहीं करना, और हाँ जब जेब में पैसे हो ना तो खोके पे आ जाइयो, बता दूंगा सच। अभी चलता हूँ, दुबई जाना है ना, तैयारी करनी है अभी। अल्लाह हाफिज। हेलो अब्बा, मैं सहर बोल रही हूँ। जानता हूँ जानता हूँ, बोल क्यों फोन किया? अब्बा घर का क्या बना? अभी इतना ड्रामा रचा हुआ था, अब कहाँ से लोगों को लेकर आओ? तेरी सौकन डांट पड़ डांट के उनको निकाल दे। तो तू भी तो अकल से काम लेना, बिना बताए मुंह उठाकर तू आ जाता है। भाई अगर मुझे बता कर आए तो मैं तुझे बताऊँ ना कि इस वक्त सायम और मीरा दोनों घर पे नहीं है, तू आ जा। हाँ गलती तो कर दी मैंने, अब बता करना क्या? करना क्या है, बस जितना जल्दी हो सके ये घर बिकवाना है। मीरा को भी पता लग गया कि कागजात घर में नहीं, तो अब ये काम जितना जल्दी हो सके करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। अच्छा तू मुझे बता, तूने कागजात तो संभाल कर रखे हैं ना हिफाजत से अपने पास? हाँ मेरे पास ही हैं। असल और नकल दोनों ही ना? हाँ दोनों मेरे पास हैं, यार नीचे पेटी में पड़े हुए हैं। अच्छा ठहर जा ठहर जा, मैं एक मिनट।
है? ओ, 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 मैं मर गया यार। क्या हुआ? कागजात नहीं है क्या? कागजात तो है लेकिन। लेकिन क्या अब्बा, कागजात खो गए क्या? खोए तो नहीं है लेकिन। अरे लेकिन क्या, आगे भी तो बोल। कागजात तो चूहे खा गए। क्या, चूहे खा गए? अब्बा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू एक कागजात नहीं संभाल के रख सका, अब क्या करूंगी मैं? अरे अरे तू फिक्र मत कर, मैं अभी ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। वैसे तुझे बताऊ, नकली कागजात खा गया असली तो साबित पड़े हुए हैं, पर तू फोन बंद कर, मैं जाके ठीक करवाता हूँ। अब हद ही हो गई है, इस कदर गैर जिम्मेदारी, कोई एहसास नहीं है तुझे? ओए ओए, अब मुझे बातें सुनाने के बजाय फोन रख ताकि मैं जाके ठीक करवाऊ। बंद कर दे फोन, जा रहा हूँ मैं। अब्बा एक कागज नहीं संभाल के रख सका, क्या करूंगी मैं? मैं उड़ी उड़ी जावा हवा देन। भाई खैरियत है, क्यों इतना खुश है तू आज? अरे बस ये समझ, तेरे भाई की लॉटरी लगी है, लॉटरी। दो दो जगह से मोटी रकम हाथ में आ रही है। इसका मतलब है तेरे हाथ में फिर कोई मोटी असामी लग गई। लेकिन मेरा भी कुछ भला कर दे भाई, आंटी को लेके तू चले जाएगा दुबई, फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो भूल जाएगा ना तू। अरे मेरे जान के टोटे, तुझे भूल सकता हूँ क्या मैं? अरे यारों का यार हूँ मैं, यारों का यार। खुश करके जाओ, टेंशन ना ले यार। वाकई में तू यारों का यार है, लेकिन एक बात तो बता, तेरे हाथ में ऐसा लगा क्या है? दुबई वाली बाजी थी ना, उनका मियां मिला था मुझे, सबूत मांग रहा था मुझसे। तो क्या इरादा है, देगा सबूत? अभी तो फिलहाल पैसों का बंदोबस्त हो रहा है, फिर देखते हैं सबूत किसको क्या देना है, देना भी है कि नहीं। जी बाजी। हाँ बस अभी अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। चल भाई, मुझे जरूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ। तुम चाय के पैसे दे देना, ठीक है? यानी मेरे भूलना मत मुझे। हाँ तू चाय के पैसे तो दे पहले। इसके अभी भाई मसले खत्म नहीं होते। बोल, अब इतनी जल्दी फोन क्यों किया? अरे तेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अरे वो जो तुझे डरा रहा था रिकॉर्डिंग दिखा दिखा के, उसका एक्सीडेंट हो गया। किसकी बात कर रहा है तू? इमरान की? हाँ, उसको ट्रॉलर ने मारा है और इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा है, उसकी हालत बड़ी नाजुक है, कहीं मर मुरा ना जाए। अरे बाबा, क्या खुशखबरी सुनाई तूने। अच्छा सुन, वो फोन कहाँ है जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग थी? अरे ट्राले के नीचे आके उसका फोन भी टूट गया। जबरदस्त, ये होती है ना खुशखबरी, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुन, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उसको देखने के लिए, बाद में बात करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ जा, खुदा हाफिज़। मुझे ब्लैकमेल करने चला था, पड़ गया ना लेने के देने। मीरा बात सुनो मेरी। मुझे आपसे कोई बात नहीं है। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बात जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ। बात जितनी जरूरी हो मैं आपसे कोई बात करने की दिलचस्पी नहीं रखती।
बता दें और शायद कुछ काम की बात होगी तभी वो पूछ रहे हैं। तुम बीच में मत पड़ो अच्छा, और ज्यादा बाजी बाजी करने की जरूरत नहीं है। भूल गई हो क्या किया इसने तुम्हारे साथ? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, कोई मेरे बारे में बुरा भी सोचे तो मैं उसका भला ही सोचती हूँ। तुम सोचती रहो, मुझे कोई शौक नहीं। कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? हाथ में रहे साइमन। तुम अपनी हाथ में रहो अच्छा। क्या चल रहा है तुम्हारे और इमरान के बीच में? क्यों आया था वो क्लिनिक तुमसे मिलने के लिए, और क्यों तुम्हें बार बार फोन करता है? क्या गेम खेल रही हो तुम? क्या मीरा बाजी इमरान से मिल रहे हैं? हाँ। लेकिन क्यों बाजी? यही तो पूछ रहा हूँ, बताएगी ना ये? बताएं बाजी, अब कौन सा खेल खेल रहे हैं आप मेरे लालची रिश्तेदारों के साथ मिलके? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम इसे जवाब देने की पाबंद नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बोलो। मैंने आपसे कहा ना मैं जवाब नहीं दूंगी, ना आपको ना इससे। तो ठीक है फिर, निकल जाओ इस घर से। तुम जैसी औरत का इस घर में कोई जगह नहीं है। सर, मुझे निकालने से पहले ये पता कर ले कि जिसके हक में है मेरे घर लिखा हुआ है, वो इस घर को बेचने में क्यों तो नहीं दिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बाजी? क्यों मुझे साइम की नजरों में गिराने के लिए झूठे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? जो कर रही हो वो खुल के करो, छुपा के क्यों कर रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये घर बेचना चाहती है? जिस दिन ये गिर के हॉस्पिटल गई थी उस दिन इसका बाप पार्टी को लेके यहाँ आया था। मैंने डांट के जो पार्टी को भगाया तभी ये मुझसे उलझ गिरी थी। खुदा का खौफ करें बाजी, क्यों मुझ पर और मेरे गरीब बाप पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं आप? अब पार्टी को लेकर जरूर आया था और इस बात का इल्म साइम को है। उसके बाद उसी दिन मैंने अब्बा को गुस्से से मना कर दिया था कि वो दोबारा यहाँ ना आए। अगर बेटी की मोहब्बत में अब्बा मुझसे मिलने चला आया तो क्या बुरा कर दिया? उस दिन से मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने उस दिन भी नहीं सुनी और आपकी किरकिर की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। तो फिर इस घर के कागजात कहाँ है? सर झूठ सबके सामने खुद आ जाएगा, तुम्हारा पूरा खेल खुल जाएगा। खेल तो आप खेल रहे। बस 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 करो ये बहस। और रही बात इस घर की ना, तो ये मेरा घर है, कोई कबाड़ खाना नहीं कि कोई भी उठा के से बेच दे। जब तक मैं जिंदा हूँ ना तुम्हें इस घर की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप इस बात में भी दिलचस्पी नहीं रखते होंगे कि अम्मी खुद नहीं गिरी थी, उनको सीढ़ियों से धक्का दिया गया था। क्या क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, हकीकत है, और बहुत जल्द मैं सबके सामने ले आऊंगी। हाँ, अब इस बात का इल्जाम भी आप मुझ पर लगाएंगे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि तुम ही मुजरिम हो। देखा देखा साइम, आपने मैंने आपसे कहा है ना, ये मुझे सिर्फ आपकी नजरों में गिराना चाहती हूँ और कुछ नहीं। पहले घर बेचने का इल्जाम, फिर अम्मी को सीढ़ियों से धक्का देने का इल्जाम, पागल हो गई हो तुम? तुम जैसी पागल की इस घर में कोई जगह नहीं है, निकलो। साइम छोड़े क्या करें? साइम साइम मेरा बेटा, मेरा बेटा। कोई नहीं है तुम्हारा, हसन मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। मैं लेके जाऊंगी। हसन जा रहे हो? निकलो यहाँ से। गंदे आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मेरी मामा को घर से निकाला है। अंदर चलो तुम, चलो चलो। बाबा छोड़ो, मुझे मामा के पास जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे अच्छा, तुम यहीं रहोगे मेरे पास, सुना तुमने? मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे मामा के साथ रहना है। आप अच्छे नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए बेहतर जानता हूँ क्या ठीक है और क्या नहीं। बैठ जाओ आराम से, बैठो।
कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे दिल के गमों से हम कैसे उभरे मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना मैंने ये ना पहचाना मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा मेरे खुदा वालेकुम अस्सलाम क्या कर रहे हो तुम दोनों कुछ नहीं बाबा बस होमवर्क कर रहे थे अच्छा मामा कहाँ हैं बाबा नायला चाची की कॉल आई थी तो मैंने मामा को अंदर ही दे दिया था तब से मामा बाहर ही नहीं आई आपने जाके पूछा नहीं बाबा मैंने पूछा था लेकिन मामा ने जवाब ही नहीं दिया मुझे अच्छा ठीक है आप दोनों पढ़ाई करो मैं देखता हूँ ओके बाय वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई घर यही है हाँ ये घर तो इमरान का तुम कौन हो मैं इतला देने आया हूँ कैसी इतला आपके शो इमरान का एक्सीडेंट हो गया है क्या अम्मा अम्मा इधर आ क्या हुआ क्या हुआ ये कह रहे कि इमरान का एक्सीडेंट हो गया जी आंटी कहाँ है मेरा बेटा कहाँ है आप जाके पूछ लेगा उनसे मैं चलता हूँ हर बार मुझे धूल चटाने निकलती है और खुद ही दलदल में गिर पड़ती है ये मीरा मजबूत सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि मेरे अपने गद्दार थे इमरान मीरा के साथ मिलकर ना जाने मुझे फंसाने का क्या चक्कर चला रहे थे इस बात का पता तो मुझे जल्दी लगाना होगा और सबसे पहले तो मुझे ये घर बिकवाना होगा सायम पर अगर ये कागजात की गुमशुदगी की बात खुल गई तो ना जाने क्या होगा अभी तो मैंने बात आई गई कर दी लेकिन अगर सायम को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी शहर बोल हाँ अबा क्या हाल है उस इमरान के जिंदा है या फिर मर गया अब आज हो गया समझ मर गया क्या मतलब मतलब ये कि उसको दोनों टांगे जाया हो गई अब आज हो गया वो ऐसों के साथ ऐसा ही होता है अच्छा खैर तू बता सब ठीक है हाँ सब ठीक ही है एक खुशखबरी तूने सुनाई थी एक खुशखबरी मेरे पास है तेरे लिए कैसी खुशखबरी सायम ने मीरा को घर से निकाल दिया और अब देख हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है तो जो भी करना है वो जल्दी करना होगा बस तू फिक्र ना कर ये काम बहुत जल्द हो जाएगा देरी तो होनी भी नहीं चाहिए तुझे पता था क्या इमरान और मीरा के बीच क्या चल रहा है नहीं साइम ने दोनों को बातचीत करते हुए देख लिया इसलिए पूछ रहे थे मीरा भी एक नंबर की ढीठ है इस घर से निकल गई लेकिन अपना मुंह नहीं खोला कि दोनों के बीच चल क्या रहा था और इमरान मीरा से बात करता रहा और तुझे खबर ही ना हुई अरे मैं कोई इमरान का साया थोड़ी हूँ कि उसके पीछे पीछे फिर रहा था कि वो क्या करता फिर रहा है मुझे क्या पता वो क्या करता रहा है इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी हाँ ठीक है जो करना हो कर लेना
अब घबराने की जरूरत नहीं है। ए, वो तो बेचारा अपाहिज हो गया, फोन भी उसका टूट गया, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सांप जब तक जिंदा है ना, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। और मीरा और इमरान के बीच क्या चलता रहा है इसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। एक बार ये पता लग जाए फिर इस सिपाही इमरान और उसकी बीवी समीना, इनसे तो मैं खुद ही निपट लूंगी। अरे बेटा एक बात तू पक्की लिख ले कि मैं ही तेरा सखा हूँ। हाँ चल फोन रखती हूँ, खुदा। हाँ ठीक है ठीक है। उसका किरदार कौन नहीं जानता है, और आज पाक साफ बनकर तुम्हारे किरदार पर उंगली उठा रहा है। वो ऐसी ज़िंदगी। अच्छा ना तू क्यों परेशान होता है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तेरी बेसाखी बनूंगी ना, मिलकर कर लेंगे हम दोनों। मतलब ये है कि साइम ने मीरा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। इस्मा तुम यहां अकेली बैठी हो, बच्चे बाहर बैठे हैं। आप इतनी जल्दी आ गए हैं ताकि तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। परेशान हो? नहीं, याद आ रही थी तो कुछ देर के लिए अकेले बैठ गई थी। वालदैन के जाने का गम तो जिंदगी भर हमारे साथ रहे, किसे पता है कि हमारा यहाँ अपनों में वापस आना और अम्मी का हमें छोड़कर चले जाना सब में अल्लाह पाक की मसलहत है। वरना अगर तुम अम्मी की मौत पर यहाँ ना होती तो मजीद गमगीन हो जाती। दुख मुझे इस बात का है कि मैं अम्मी के साथ वक्त नहीं गुजार सकी, और अम्मी ने भी अपने आखिरी दिनों में कितना बर्दाश्त किया, सब कुछ उनके सामने हुआ। काश हम अम्मी को हर दुख से बचा सकते। मैं भी इस दुख में बराबर कशिश, उनके आखिरी वक्त में मैंने भी उन्हें बहुत दुख कितना तंग किया था, कितना गमजदा किया मैंने, इस बात पर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकती। मुनीर आप ऐसा मत सोचे, मैंने आपको माफ कर दिया। यही तो कमाल है तुम औरतों का कि अपने शौहरों की गलतियों को नजरअंदाज करके उनको माफ कर देती है, लेकिन हर मर्द एक जैसा नहीं। मेरे साथ ये गम जिंदगी भर रहेगा, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मेरा क्या हुआ है बेटा, कुछ तो बताओ,
तुम इस वक्त यहाँ इस हाल में? मीरा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे बेटा। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरी सांस रुक जाएगी, खुदा के लिए कुछ कहो। और वो हसन कहाँ है? हसन ठीक तो है ना? मीरा, मीरा क्या हो गया ऐसा बेटा, कुछ तो कहो मीरा। अरे बेटा खुदा के लिए कुछ बोलो मीरा, अरे कुछ तो बताओ मीरा, आखिर हुआ क्या है बेटा, प्लीज कुछ कहो। पेशेंट के लिए दवाओं का बंदोबस्त करना होगा। मेरे इमरान कैसे? ऑपरेशन चल रहा है, आप दवाओं का इंतजाम करें, पेशेंट की हालत सही नहीं है। ये दवाइयाँ हमने कहाँ से लेनी है? ये अस्पताल में नहीं मिलेंगे, आपको बाहर से लानी होगी। ये कहाँ से मिलेगी दवाइयाँ? अम्मा मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं ये दवाई लेकर आती हूँ। अच्छा हसन, यहां से तो उठो ना, उठ के बेड पे बैठ जाओ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। जिद नहीं करो शाबाश, उठो। आपने मेरी मामा को घर से निकाला है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। तुम छोटे हो अभी, तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या बुरा। मैं जानता हूं, मुझे पता है। वो मेरी मामा है, मेरे लिए सबसे बढ़कर है, आपसे भी ज्यादा। हसन के लिए नूडल्स बना कर लाई हूँ मैं। खिला दो अगर खाता है, उस वक्त से यहीं बैठे। हसन तुम यहाँ क्यों बैठे हो, उठो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमने बहुत जोर से मेरा हाथ खींचा था। हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम भाग रहे थे, इसलिए थोड़ा सा जोर से पकड़ लिया होगा गलती से। झूठ, झूठी, आप दोनों झूठे हैं। कहाँ जा रहे हो हसन? जाने दे उसे, कहाँ जाएगा, अपने कमरे में या फिर दादी के कमरे में। बच्चा है और आप जानते हैं कितना जिद्दी है, थोड़ा वक्त दें, ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम देखना अल्लाह सब ठीक कर देगा। और तुम्हें बिल्कुल भी कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बात याद रखो बेटा। साईं ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया है ना, एक ना एक दिन उसे बहुत पछतावा होगा। अरे उसका किरदार कौन नहीं जानता है, और आज पाक साफ बनकर तुम्हारे किरदार पर उंगली उठा रहा है। बस बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अब वक्त आ गया, तुम्हें भी उसके साथ जुड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने दो तो बेटियां दी, सब कुछ दिया, लेकिन मैं बदनसीब मां, तुम लोगों के नसीब का निकाह डाल नहीं सकी। कसूर नसीब का भी नहीं है, लेकिन तुम देखना बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारी नाकदरी की है ना, ये नसीब की लिखी हुई स्याही उनके लिए लिख दी जाएगी। नाकदरों से कदर की तवक्कु करना फजूल है। हसन को मुझसे छीन के आज साहिब ने ये साबित कर दिया कि वो इंसान की जुबान समझने वाला इंसान ही नहीं। अब बस मैं अपने बेटे को वापस लूंगी, कस्टडी का केस करूंगी और साथ में खुला का भी केस करूंगी। तुम्हें मुझसे कहा था आपका बेटा,
सब ठीक हो जाएगा। चल मेरा बेटा बस चुप कर जा, चुप कर। इमरान को होश आया? अभी होश नहीं आया अब्बा, डॉक्टर ने अभी मिलने से भी मना किया। ये सब किया किसने? पता नहीं अब्बा कौन लोग थे, जहन्नुम में जाएं। अल्लाह गारत करे इन जालिमों को। तो चुप चाप मेरी बच्ची, परेशान ना परेशान ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। है आ जा। अगर इमरान को होश ना आया तो मैं क्या करूंगी? बेटा सब मैं हूं ना, तू क्यों घबरा रही है? बैठ। अल्लाह ठीक करेगा बहन, परेशान ना हो, अल्लाह ठीक करेगा। आ गए बेटा? जी अम्मा। बैठो। अरे भाई समन मैके गई थी, कह रही थी जल्दी आ जाऊंगी, अभी तक आई नहीं, बहुत देर हो गई है। पता नहीं मुझसे भी यही कह के गई थी। कल भी वो अपनी गाड़ी में अकेली गई और तुम अपनी बाइक पे, और वापस भी तुम दोनों अलग अलग आए। क्या बात है, तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई है? हाँ अम्मा, बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। अच्छा, तो मैंने और सीमा ने उससे रवैया ठीक किया तो तुम उसकी सास नंद बन गए। मैं देख रही हूं बात बात पे तुम उससे बहस करते रहते हो, हो क्या गया है तुम्हें? पता नहीं अम्मा क्या होता जा रहा है मुझे, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अब ये तो बताओ किस बात पे बहस हो गई? अम्मा वो जब से अपनी गाड़ी लेकर आई है तब से अजीब सा लग रहा है। अच्छा, तो तुम उसको गाड़ी नहीं दिला सकते और वो अपने घर से गाड़ी ले आई है, इस वजह से तुम एहसास कमतरी में चले गए। ठीक है बेटा, बनता है, लेकिन एक बात बताओ, एक चीज उसके घर में पड़ी हुई है और जो किसी के इस्तेमाल में भी नहीं, और उसको यहाँ लेकर आ गई है, तो इसमें क्या बुरी बात है? उसकी वजह से रिक्शा टैक्सी के पैसे भी बचते हैं उसके, और मैंने उसको कभी भी गरूर करते हुए नहीं देखा बेटा। तुम खुद देखो ना, उसकी वजह से इतना अच्छा रिश्ता आ गया इस घर में, बगैर कहे हुए उसने शादी के लिए पैसे रख दिए तुम्हारे हाथ में, वो और क्या करे तुम्हारे लिए? बुरा तो हमने करना चाहा था उसका, लेकिन उस बच्ची ने अपनी अच्छाई से हमारे दिल में घर कर लिया, और वो हर वक्त तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है और तुम उसके साथ उलझते रहते हो, क्या गया है तुम्हें? शायद आप सही कह रही हैं, मैं अपनी कम आएगी मैं भूल ही गया कि उसकी जिंदगी का मकसद मेरी ख्वाहिशें पूरी करना नहीं है, बल्कि उसकी भी कुछ मर्जी हो सकती। दिल दुखाया होगा तुमने उसका, तभी वो वापस नहीं आई है अपने मायके से। नहीं अम्मा, बस गाड़ी वापस छोड़ के आने को कहा था मैंने। वाह, तुम भी कमाल करते हो हमजा, उसे अपनी चीजें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। अम्मा वो भी यही कह रही थी। सही कह रही थी वो, शौहर बनो हाकिम नहीं, कि वो तुम्हारी मर्जी से उठे तुम्हारी मर्जी से बैठे, ऐसा नहीं होता बेटा। उसकी अपनी भी जिंदगी है, उसकी अपनी भी मर्जी है, और तुम पसंद की शादी करके उसको लेकर आए हो तो उसको प्यार से रखो। अगर रोजाना फूल नहीं दे सकते तो फूलों की तरह तो रखो। जाओ जाके उसको लेकर आओ, अभी बहुत देर हो गई है, उसका अकेले आना मुनासिब नहीं है, और वहां पे वो नाराज बैठी होगी और तुम यहाँ मुंह फुलाए बैठे होगे तो शादी में क्या खाक मजा आएगा। जाओ जाके लेकर आओ उसको। जी अम्मा। अच्छा नहीं लगता, बहू के बगैर ये शादी नहीं हो सकती बेटा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं ही गलत सोच रहा था। अच्छा अच्छा, अब जाओ उसको फोन करो, लेकर आओ उसे। ठीक है अम्मा, मैं उसे कॉल करता हूँ कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ।
शुक्र है तू जिंदा है, तेरी जान बच गई। ऐसी जिंदगी मैं अपने पैरों में खड़ा भी नहीं हो सकता। अल्लाह का एहसान मान बेटा, तेरी जिंदगी बच गई। ऐसे मत सोच बेटा, मैं ऐसी जिंदगी। अच्छा ना, तू क्यों परेशान होते है? मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तेरी बेसाखी बनूंगी ना, मिलकर कर लेंगे हम दोनों। हाँ हाँ बेटा, मेरी बेटी तेरा सहारा है ना, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अब चलता हूँ है बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी, कोई मसला है बहन जी। अल्लाह बेहतर करेगा, घबराए ना, परेशान है। तू आराम करना, लेट जा। मीरा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? घर कॉल कर लेती हूँ। हसन दरवाजा खोलो, खाना खा लो। हसन, नहीं खाना मुझे कुछ, तुम जाओ यहाँ से। अच्छी बात है, मत खाओ, भूखे ही मरो। क्या मुसीबत डाल दी है सामने मेरे सर पे, कितना अच्छा होता अगर इससे भी जान छूट जाती। नायला बात कर रही हूँ। जी नायला बाजी, कहें। मीरा कहाँ है? काफी देर से उसे फोन कर रही हूँ मैं, वो आंसर ही नहीं कर रही है। अगर फोन नहीं उठा रही तो उनकी माँ के घर पे फोन करें ना, यहाँ फोन करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब, और ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम उससे? मतलब ये है कि साइम ने मीरा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आप सुन रही है। लेकिन क्यों? इस बात का जवाब तो आपको साइम अच्छा दे सकता है। साइम क्या जवाब देगा? जब से तुम्हारे मनुष्य कदम उसकी जिंदगी में पड़े ना, उसने अपने जहन से सोचना और आंखों से देखना बंद कर दिया है। जब आपको पता है इतना, तो फिर आप मेरा और अपना वक्त जाया क्यों कर रही हैं? फोन रखें। गलती हो गई जो मैंने घर में फोन कर दिया। जी, और ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। आप तो अच्छी तरह जानती है ना, साइम को आप लोगों की शक्ल भी नहीं पसंद। उसके जहन से कौन खेल रहा है इसका अंदाजा है मुझे। अंदाजा है तो फिर रोक लें साइम को, जो कर सकती हैं वो करें। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी बार साइम ने आपको इस घर से धक्के देकर जलील करके निकाला, लेकिन आप लोग हैं कि इस घर का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और फिर भी आप मुझसे बात कर रही हैं? रख दिया। जाते जाते ये भी मेरे सर पे डाल दो, लेकिन ये तो उसने अच्छा ही किया, इसको बेचकर 2-4 पैसे ही मिल जाएंगे। देखिए मनहूस। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा।
कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे दिल के गमों से हम कैसे उभरें।